शिवसेना खेमे में बगावत के बाद महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पुनर्गठन के मकसद से शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों व प्रकोष्ठों को भंग करने का ऐलान किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी पार्टी के लिए बड़ा कदम उठाया है। एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष शरद पवार ने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के सभी विभागों व प्रकोष्ठों को भंग करने का फैसला लिया है। एनसीपी के इस फैसले की पुष्टि करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि एनसीपी प्रमुख मंजूरी के बाद यह बड़ा निर्णय हुआ है। प्रफुल्ल पटेल ने बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब का मंजूरी के साथ तत्काल प्रभाव से एनसीपी के सभी नेशनल लेवल के डिपार्टमेंट व सेल को भंग किया गया। इसमें नेशनलिस्ट वुमेन्स कांग्रेस, नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस और नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स कांग्रेस नहीं है। सूत्रों के अनुसार यह फैसला हाल में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद लिया गया है। इसके तहत अब एनसीपी का पुनर्गठन करने का मकसद है। बता दें कि एमवीएस सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल थी। एनसीपी शिवसेना की अगुवाई में बनी सरकार के लिए अहम हिस्सा थी, जो जून के अंत में उद्धव ठाकरे के शिवसेना खेमे में हुई बगावत के बाद गिर गई। इस बगावती तेवर की शुरुआत एकनाथ शिंदे ने की थी, जो अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं।